ज्यादा दूर तो ना तो जाए सिकदा ना जान का बेरा एक बार मेरा शामी ला दे मेरा दाम चढ़वा दे जोगर पलवन तोड़ के गिरे नु तोड़ के गिर दूंगा उसने जोगर नायक ना नु तोड़ के गिरे अगर नु गिर दूंगा एक बार ला मेरा शामी उसने मैं देखूंगा उस बाहुबली ने देखूंगा किस बाहुबली है वो दूसरे आगे सारे बड़ा गिद्दड़ का बच्चा मैं कुत्ता का गला शिकार करो ऐसा मर जा अकेला मैं भी अकेला हूँ यार हरियाणा के बीच में जा तो मैं तोड़ दूंगा तो तोड़ देगा गारंटी करूँ मैं। हाँ और सुने इज्जत का सवाल है जब जान बाजी पर लानी पड़े तोड़ के आखिर में मैं छोड़ दूंगा उसने। राम राम जी सारे दर्शकों ने मैं दीप सिंह इस टाइम भाई खटखट टोल पर महापंचायत हुई है पहलवाना का समर्थन में तो बातचीत करांगे कुकर के बात रही के पंचायत ने फैसला लिया है और आगे रणनीति के रहोगी या किसान आए थे भाई किसान आंदोलन में थे और वे किसान नेता भी आ रहे थे और ये वो है भाई जो जिस पे केस लग गया था देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था तो देखा लग रहा था हमारे के लिए तो क्या लग गया जी आपने सबसे पहले तो आपने चैनल स्वागत है भाई सबसे पहले पत्रकार महोदय आपका भी स्वागत और आपके दर्शकों का भी स्वागत जी। भाई आज जो यह महापंचायत अभी समाप्त हो रही है थोड़ा सम्मानित लाग रे कण भाषण बाजी समर्थन लेना देना वो सब बात हो ली फैसला ये होया है आज खटखट टोल कमेटी के नेतृत्व में सारे जीन चले ग्राउंड के लोग आ रहे थे किसान भी थे इसमें मजदूर भी थे सब शामिल थे युवा साथी भी मातृशक्ति भी थी ये फैसला होया है भाई फसल की तो घाट बैद हो जाकर दी भा कम मिल जाता कोई बात नहीं मुआवजा नहीं मिलता कोई बात नहीं टोटे नफे भी खेलिया कर दे टोटे नफे भाई सारी उम्र होगी खेलिया ने भाई यू इज्जत वाला जो टोटा है यू को नहीं खे अजे यह इज्जत बड़ी मुश्किल तो बने है अरे एक भाई इज्जत जब चली जावे तो वह इज्जत हमारी दोबारा नहीं आती कि कोई तरीका नहीं दोबारा लेने का उस इज्जत ने एक भाई इज्जत लुट गई तो लुटे गई तो इस इज्जत को बरकरार रखने के लिए इस इज्जत को बनाए रखने के लिए आज इस महापंचायत में यह फैसला लिया है जो हमारी बहन बेटियां बैठी हैं जंतर मंतर पे उनको तय दिल से समर्थन तीनों तरह से तन और मन और धन से समर्थन और हिंदुस्तान की और किसी बेटी के साथ भविष्य में ऐसा ना हो तो इसके लिए वर्ज जो भूषण है उसकी गिरफ्तारी भी हो उस पर मुकदमा भी चले उसके जो विभिन्न जो गंभीर टेस्ट है वे भी होने चाहिए और उसका बहुत अच्छे जज से फैसला ले और उसकी उम्र कैद या फांसी की सजा होनी चाहिए ताकि हमारी जो कच्ची बच्चियां हैं छोटी छोटी एज की नाबालिग बच्चियां हैं उनकी तरफ कोई अवैध का शिकारी या कोई बलात्कारी या बीजेपी आरएसएस का कोई करिंदा या उनका कोई बंदा या उनका कोई मंत्री संतरी या उनका कोई रिश्तेदार या उनका कोई वर्कर कोई भी इस हिंदुस्तान की बेटी की तरफ अवश्य की नजरों से ना देख सके शोषण करना तो दूर की बात बलात् करना तो दूर की बात उनकी तरफ आंख भी ना उठा सके ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दे ऐसे किसी जज के हाथ में ये केस दे और जब तक ये नहीं होगा तब तक ये पूरे हरियाणा की महापंचायत में ये फैसला होया है चाहे जंतर मंतर पर जाना पड़े चाहे यहाँ हरियाणा के सारे रोडों को ब्लॉक करना पड़े चाहे किसान आंदोलन की तरह दिल्ली को ब्लॉक करना पड़े या फिर कैंडल मार्च की 28 तारीख की बात हो या भविष्य में आगे बलान की बात हो किसी भी तरह इस बात को हम हड़के में नहीं जान देंगे क्योंकि इज्जत दोबारा नहीं आती भाई फिर मैं दोहरा दूं पैसे दोबारा आ जाएंगे तुम्हारे कपड़े पाट देगा ये दोबारा समझेंगे भाई तू मेरी जमीन खोज लेगा फसल का भाग कम ला देगा मेरी ठोकर मार के मेरी चीज खोज लेगा फिर दोबारा ले लेंगे कमाए के ए बोला कद नहीं कमाया भाई हमने भाई मोहम्मद गजनबी आया गोरी आया भाई औरंगजेब आया भाई तैमूर लंग आया युग सिकंदर आया था अलेक्जेंडर हमारे धन को भी ले जा रहा था कुछ लड़कियों को भी बंदी बना के जो पाकिस्तान में एरिया चलेगा खैबर पख्तून की पहाड़ियां जो खैबर पख्तून राज्य है उसकी खद्दर की पहाड़ियों में खोखर नाम के जाट फेटे थे जब उनको ये धन ले जा रहे थे उन्होंने टोकिया नहीं जब उनको ये पता चलिया हिंदुस्तान की इज्जत भी साथ में ले जा रहा है ये सिकंदर नाम का आदमी तो खोखर जाटों ने थोड़ी संख्या में होते हुए सिकंदर की सेना पर हमला कर दिया था और सिकंदर के कहीं भी इतिहास में पता कर लो
दिल के पास ऐसा खंजर गल दिया था, उस खंजर की वजह से बेबीलोन में मैसिडोनिया उसका राज्य था, मैसिडोनिया तक नहीं पहुंचा था, यहाँ जो बेबीलोन में रुका था बेबीलोन तक जाते जाते उसकी हत्या हो गई थी उस खंजर की वजह से। ऐसे थे हमारे खोखर नाम के जाट, और ये क्यों किया उन्होंने, इज्जत के नाम पे किया। और इज्जत एक ऐसी चीज है जो भविष्य में एक बार तो आदमी के पास प्राकृतिक रूप से जब भगवान जन्म देता है हर स्त्री के पास, हर इंसान के पास होती है, और जब उसको लूट लिया जाता है इज्जत नाम की चीज उसके पास दोबारा नहीं बचती। तो हम वायदा करते हैं किसान होने के नाते, मजदूर होने के नाते, हम किसान का बेटा होने के नाते, और हमारी बहन बेटियों के वास्ते मैं वादा करता हूँ इज्जत को हम बरकरार रखेंगे, इज्जत लूटने नहीं देंगे। चाहे हमने ब्रजभूषण कानून ने अगर कुछ नहीं कराया, सरकार ने अगर कुछ नहीं कराया, चाहे ब्रजभूषण हमने घर तक बढ़के काट के लेना पड़ो, हम छोड़ा नहीं गए, बिल्कुल नहीं छोड़ांगे। इनका इज्जत का शोषण जो करे उसका बदला जरूर लेगी आप पंचायत, ये लोग, ये मजदूर, ये कमेरा वर्ग, हम इस अपनी इज्जत का बदला जरूर से जरूर लेगी, इसको बख्शेंगे नहीं। और मोदी सरकार से वैसे मैं प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि ये डिक्टेटरशिप है, इनको देश ने झूठ बोलना आए दिन और गद्दारी करना देश के साथ, इसलिए इनको जी और प्रार्थना नहीं करता, लेकिन ये कहता हूँ हे अमित शाह और मोदी सुन ले मेरी आवाज, जल्दी से जल्दी न्याय की तरफ बढ़ और ब्रजभूषण को गिरफ्तार करवा और अच्छे जज से जांच करवा, नहीं तो ये जो हरियाणा की आवाम है जिनकी बेटियों की तड़प सड़क के ऊपर आज बिखर रही है वो आम उठने वाली है, और ब्रजभूषण को घरा बढ़ के छाती पकड़ के उसको उठा के ले आवांगे। ये पंचायत महापंचायत का वादा है, आज ये महापंचायत में बातें हुई है सारी। ब्रजभूषण ने बोला नार्को टेस्ट के लिए मैं तैयार हूँ। नार्को टेस्ट के लिए नहीं, नार्को टेस्ट से भी कोई भी टेस्ट हो, उसका उसका ब्लड टेस्ट हो, उसके कपड़े का टेस्ट हो, उसकी जो मानसिक आईक्यू टेस्ट है वो भी हो, जितने तरह के टेस्ट हो, अगर हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं हो वो टेस्ट अमेरिका यूरोप से भी मंगवाए जाए, उस दरिंदे को छोड़ा ना जाए, क्योंकि वो मैंने सुना बाहुबली भी है, वो पैसे वाला भी है, वो मोदी अमित शाह को ड्रा करके भी रखता है, उसके पास मैंने ये भी सुना 300 गुंडे हैं, लेकिन ये जो जनता है ना हरियाणा की, ये गुंडे तो नहीं है, लेकिन आज तक गुंडों को इन्हें छोड़ा भी नहीं है। वो तो बोल रहा है ये तो एक एक खाड़े के एक एक क्षेत्र के खिलाड़ी है, मतलब ये तो बोल रहा है कि जाति विशेष के है। अरे नू बताओ तामे, ये भी हिंदुस्तान में 10-12 का रिजल्ट है, भाई फर्स्ट तो एक के बच्चा होगा, और वो मान लो बढ़िया का हो, इन को जल्दी तो बढ़िया का है, वो मान लो खतिया का हो, उनको जल्दी तो जांगड़े का है, कोई बात हो, वो जांगड़े भी मारे हैं और वह बड़िए भी मारे हैं और वह दलित भाई भी मारे हैं, फर्स्ट बच्चा चाहे किसी का भी आया हो वो हिंदुस्तान का बेटा है, उस दिन तो वह जो मेडल लेनी है, चाहे वो राजपूत के हो, चाहे वो यादव के हो, चाहे दलित के हो, चाहे जाट के हो, वो एक अलग बात है, उत्तरी भारत में जाटों का प्रभुत्व है, तो प्रभुत्व होने के कारण जाटों के बच्चे मेडल कुछ ज्यादा संख्या में लाते हैं, ये एक अलग बात है, वो ना जाटों के हैं ना हरियाणा के हैं, वो देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां हैं। ऐसा ही बोला जा रहा है, मतलब ये सारे कांग्रेस ही करवा रहे हैं, कांग्रेस ही आंदोलन, भाई और किसका नाम ले, ये तो कांग्रेस ही करवा रहे हैं, आम आदमी वाले करवा रहे हैं, बसपा वाले कर, अरे बदतमीजो, अरे मूर्खो, अरे अकल के अंधो, क्यों करवाने दो कांग्रेस से और क्यों करवाने दो आम आदमी से, तुम क्यों नहीं उसको हटा के जांच करवाते, क्यों नहीं गिरफ्तार करवाते जब उसने खोट कराया है। ई बीस भाई के ऊपर ये औरत नु कह दे मेरे साथ छेड़खानी करी है, यू थाना का इंस्पेक्टर इसने जबे पकड़ लिया जाएगा, 6 महीने पाछे इसकी सुनाई होगी कोर्ट में, भाई इसने छेड़ी कि ना छेड़ी। ओके अफलातून है, ओके मोहम्मद गोरी का बेटा पोता है, ओके तैमूर लंग का जमाई है, उसको क्यों नहीं उठा रही पुलिस और उसकी जांच क्यों नहीं हो रही। बबीता फोगाट एक फोटो गहरा है जिसमें प्रियंका गांधी है और विनेश फोगाट है, नुको है बबीता फोगाट है भाई। हाँ। बीजेपी तो यू कर्तव्य करे रही है, अच्छा। भाई विपक्षी पार्टियां साथ देना आवे हैं, भाई उन्हें दबावा वो साथ तो लेना ही पड़ेगा। आज यो आम आदमी का आ गया, आज कांग्रेस का आ गया, आज बसपा का आ गया, आज सपा का आ गया, भाई किसी का समर्थन, इवन नुका डूबदन तो तनखा का सारा इनको डूबता बच गया, और नुको देवे अहो ये तो तनखा का सारे बच्चे है, अरे बेकूफ के बच्चे बच तो गया तनखा का सारे, तो वे तनखे हैं। आज जो कांग्रेस है, बसपा है, सपा है, आम आदमी पार्टी है, ये तनखे हैं, ये डूबता का सारा है, तो सारा तो लिएगा भाई, आज सारा तो व्यापारिया का भी लेंगे,
और भाई छोटे दुकानदारा का भी लेंगे भाई, कमेरा वर्क का लेंगे भाई, किसान का लेंगे, मजदूर का लेंगे, युवा का लेंगे भाई, जो कर्मचारी वर्ग है उसका भी सहारा लेंगे, अरे भाई विपक्ष का भी सहारा लेंगे भाई। डूबते न तो सबका सहारा लेना पड़ेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, क्योंकि जो डूबण लाग रहा है भाई उसने तो बचना है। ई भी आई इज्जत की बात आएगी, और भाई इस इज्जत को बरकरार बनाए रखने के लिए चाहे बीजेपी के साथ जंग का ऐलान करना पड़ो, हमने जंग का, हम जंग का ऐलान भी करांगे बीजेपी के साथ। ब्रजभूषण ने बोला है मेडल की कीमत 15 रुपये है भाई, उसके लिए होगी, उसके लिए होगी 15 रुपये। वो बड़ा घर का है, बड़ा महादानव है, बाहुबली है, गुंडा है, एक एक उसमें वीडियो में तो मैंने भी देखा था, न्यूगत है मन तो एक खून कराया है, एक खून। अरे बेटी चौध कितनी अंधी सरकार रहे, कितना अंधा कानून, वो खुद अपने मुंह तेन का मन तो एक खून कराया है। अच्छा, अरे खून कराया खुला कैसे घूम रहा है, उसकी सुनो उसकी सजा क्यों नहीं हुई, वो आज तक पकड़िया क्यों नहीं, वो कोर्ट में क्यों नहीं गया, वो जेल के पाछे क्यों नहीं, और वो खुद अपने मुंह तो उठन लग रहे खून कराया भाई। इतना बड़ा बाहुबली है वो भाई, एक बार हरियाणा में पैर टेक के दिखाओ, मैं तो ज्यादा दूर तो ना तो जाए सिकदार ना जान का बेरा, एक बार मेरा शामी ले जाए, मेरा दाम चढ़वा दे, जोगर पलवन तोड़ के गिरे नु तोड़ के घेर दूंगा उसने, जोगर नायक ना नु तोड़ के घेरा करे नु घेर दूंगा, एक बार लिया मेरा शामी उसने, उसने मैं देखूंगा उस बाहुबली ने, देखूंगा किस बाहुबली है वो, दूसरे का सार है बड़ा गिद्दड़ का बच्चा भाई, कुत्ता का गला शिकार करे वो, ऐसा मर्द है तो अकेला, मैं भी अकेला हूँ यार हरियाणा के बीच में, चाहे तो मैं तोड़ दूंगा चाहे तोड़ देगा, गारंटी करूं मैं। हाँ, और सुने इज्जत का सवाल है, चाहे जान बाजी पर लानी पड़े तोड़ के आखिर में मैं छोड़ दूंगा उसने। बहुत बहुत धन्यवाद, तो भाई देखते रहो, अगर तक वीडियो शेयर करते रहो, धन्यवाद।